हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे इस छोटे से वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको एक छोटा सा एम्पलीफायर दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, यह छोटा सा एम्पलीफायर है जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्तों मैं बड़ा स्पीकर या सब वूफर इसमें जो है आज चला कर चेक करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसका कनेक्शन सबसे पहले कर लेते हैं। सो दोस्तों, इस एम्पलीफायर बोर्ड का फुल वायरिंग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, इसका वीडियो जो है वायरिंग वाला वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो जाइए और जाकर देखिए, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कुर्सी ले लिया है। तो दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट करने से पहले यदि ये वाला जो एम्पलीफायर बोर्ड है, इस वाले एम्पलीफायर बोर्ड का अगर फुल वायरिंग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो एम्पलीफायर वाला जो वीडियो है, फुल वायरिंग वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है। तो हमारे चैनल पर जाइए और इसका फुल वायरिंग देखिए। तो दोस्तों, फुल वायरिंग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका वायरिंग इतना आसान है कि एक 8 से 10 साल का जो बच्चा होता है उस वो भी सीख सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एम्पलीफायर, 220 वोल्ट का जो है हमारा बोर्ड है। इस तरह से रख लेते हैं, हमारा स्पीकर है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं रखकर इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग जो है इसका वायर निकाल लेते हैं। निकाल कर इसमें जो सबसे पहले यहाँ पे स्पीकर का कनेक्शन कर लीजिए। तो इसको रखते हैं साइड में, इसको पलट लेते हैं इससे इस तरह से, ताकि आपको बेस का भी अंदाज़ा लग सके। यहाँ पे देखिए, मैं एक लकड़ी रख दे रहा हूँ इसको इस तरह से देखने के लिए। तो दोस्तों, स्पीकर का कनेक्शन मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे इस तरह से देखिए, इसको मैंने सेट कर लिया हूँ। इसको देखिए, इसको बेस चेक करने के लिए इस तरह से रखना पड़ेगा, जो कि मैंने रख लिया। अब ये देखिए, ये जो है एम्पलीफायर में से जो वायर निकला है, ये 220 वोल्ट में दे देंगे। तो 220 वोल्ट मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एलईडी लाइट जो हमारा जल चुका है। अब देखिए, इसको बटन को हम ऑन कर देते हैं। तो ये देखिए, इसमें जो है लाइन आ चुका है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब चलिए दोस्तों, आपको मोबाइल से एक बार बजा कर दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने एम्पलीफायर में स्पीकर का कनेक्शन कर लिया है। चलिए आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, मेरे पास पाउडर है, इस पर डाल देता हूँ ताकि आपको बेस अच्छे से पता चले। दोस्तों, इसमें कौन सा एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ किया हूँ उस वीडियो के एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। लास्ट में दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, मैं साउंड को प्ले करता हूँ। दोस्तों, आपको मेरा आवाज भी नहीं सुनाई दे रहा होगा, इतना इतना आवाज है।
set me free.